बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने लगे हैं तड़के वाली दाल, आपसे तड़के वाली दाल की रेसिपी शेयर करेंगे। आए मैं चाहते हैं, आ गया पानी को उबाल आ गया और मैंने दाल धो के रख ली थी। अब इसके ऊपर मैंने दाल ऐड कर दी। अब इसके ऊपर लगा देते हैं ढकना, ये ऊपर लगा ढकना और बाकी के मैं काटने लगी हूँ। इसको काट के इसमें ऐड करेंगे टमाटर मिर्च, और इसमें ऐड करते हैं ये देखिए ये इसमें ऐड कर दी है मैंने, ये देखिए माशाल्लाह। ये इसमें ऐड होंगे, अब इसको मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स हो गई है, अब इसको ऊपर लगाते हैं ढकना। अब मैं इसको ढक्कन लगाने के लिए इसको छेल लेते हैं। दाल हमारी चेक करते हैं, दाल दाल को कितनी गली है चेक कर लेते हैं। दाल तकरीबन गल चुकी है थोड़ी सी, इसको इसको 5-10 मिनट और ढकना लगा देते हैं इसके दाल के लिए। ये देखिए तो मैंने काट लिया, ये मैंने काट लिया, छील के काट लिया। अब हम चेक दाल को लगा, दाल को लेती हूँ। ये देखिए दाल को मिक्स करने लगी मैं, ये दाल को मिक्स ऐसे ऐसे करके जब बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ये थोड़ी सी हैवी पतली सी पानी है इसमें, ये भी खुश्क हो जाएगा और ये भी मिक्स हो जाएगी। इसको मैं कर लूँ मिक्स। तड़का लगाने के लिए कटोरी में मैंने ले ली घी, और इसमें हम अब इसको गर्म करेंगे। और इसमें लहसुन जो मैंने काट के रखे थे, ये इसमें लहसुन को लहसुन का तड़का लगाएंगे इसको मुझ पर गर्म होने के लिए। इसमें कटोरी में बनाएंगे, ये घी गर्म हो रहा है। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का, हमने गाढ़ी नहीं की, इसको थोड़ा सा पतला पतला रहने दिया है। ये देखिए माशाल्लाह, अब हमारा हो इस पर हम ये बिल्कुल गर्म, हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। जब ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो इसमें करते हैं लहसुन ऐड जो हमने पहले काट के रखे हुए हैं। ये हल्की आंच पे तड़का बनेगा, इसमें हमने ऐड कर दी लहसुन, इसका तड़का बनाएंगे। ये अब जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम उतार लेंगे ब्राउन लहसुन। अब हम इसे उतार लेते हैं और इसमें दाल को लगाते हैं। देखें माशाल्लाह, ये देखें हमारी दाल हो गई पक के तैयार। सबको देखते हैं, इसको दबा कर देखना माशाल्लाह, जिस पर मैंने खाने आ जाए। ओके, आज की वीडियो यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। ये देखिए आज काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई।